घर के आंगन में बिटिया दादी सा की तरह मासूमियत चंचलता भोलापन माँ की तरह घर के इस कोने से उस कोने तक दौड़ते फिरना बुआ की तरह सब कुछ आप जैसा ही है फिर भी आप लोग मुझे पैदा नहीं होने देना चाहते क्यों दादी क्यों बुआ क्यों माँ क्या आप जैसा होना अपराध है क्यों बेटी को पैदा होने दीजिए क्योंकि बेटियां आप जैसी ही प्यारी हैं बेटी बचा हेलो हेलो हाँ जी जी अजय सर मैं बात कर रहा था सिंगरौली से जी जी आपके पिताजी मेरे साथ में हैं बताओ बेटा क्या मामला आपके विद्यालय में क्या मामला है आपका जी मैं जब 10th क्लास में पढ़ती थी हाँ तब मेरा मतलब स्कूल में मेंटल हरासमेंट किया गया था सर जी पूरे साल मेरी अटेंडेंस नहीं बोली गई सर हाँ मेरे बोर्ड के एग्जाम के वक्त उन्होंने बड़ी दिक्कत खड़ी करी थी ताकि मतलब मेरा नंबर भी कम आए और उन्होंने पूरे साल मतलब बहुत ज्यादा परेशान किया था सर बहुत परेशान जी सर रोज बड़ी दिक्कत होती थी सबकी अटेंडेंस लगती थी मेरी नहीं लगती थी तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी सर कौन परेशान करता था ऐसा विद्यालय में सर वो विद्यालय के प्रिंसिपल हमें मतलब क्लास टीचर को बोलते थे कि मतलब उसकी अटेंडेंस रोज ना बोली जाए क्यों सर वो मेंटल हरासमेंट करने के लिए अच्छा और क्या बोलते थे और सर बस परेशान करते थे बहुत ज्यादा बहुत मतलब दिक्कत होती थी वहाँ पे हाँ और बच्चे फिर पीछे से आवाज देते थे कि आज इसकी अटेंडेंस नहीं बोली गई सर मतलब स्कूल में से मजाक उड़ जाता था सर मेरा हाँ हाँ क्या नाम है आपको तेजस्विनी तेजस्विनी और टीसी को लेके क्या मामला है सर वो मेरी टीसी नहीं दे रहे हैं और मेरी टीसी नहीं दे रहे हैं तो सर मेरा कहीं एडमिशन स्कूल में नहीं हो रहा है कहाँ एडमिशन करवा रही हो सर दिल्ली SKV स्कूल है हाँ तो मतलब ये दिल्ली में है अशोक नगर में है ये स्कूल यहीं पे एडमिशन हो रहा है यहाँ पे मतलब ये टीसी लेना चाहते हैं और सर ये टीसी नहीं दे रहे हैं प्रिंसिपल हाँ हाँ और सर मतलब 4 दिन ही बचे हैं टीसी 4 दिन में जमा करनी है हाँ और सर दिक्कत हो रही हो फिर बोलेंगे हम एडमिशन नहीं लेंगे अगर टीसी नहीं आई और सर फिर साल खराब हो जाएगा पूरा अच्छा तो ये बात है क्या फीस नहीं जमा है क्या आपका विद्यालय में जी फीस तो पूरा जमा है अच्छा फिर भी टीसी नहीं दे रहे हाँ सर चलो ठीक है धन्यवाद